वंशिका ऑनलाइन क्लासेज जॉब तक में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, साइंस के प्रश्न हैं, मैथ्स के भी हैं, मिक्स है, प्रैक्टिस सेट है एसएससी के लिए और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए भी साइंस के प्रश्न अच्छे हैं, मतलब वन डे जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। एक प्रश्न है, उससे रिलेटेड कई प्रश्न बनेंगे। प्रश्न है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? एमिनो एसिड, केराटिन, ग्लाइकोलाइटिक, मेलेनिन। तो इसमें आपका आंसर है केराटिन। केराटिन जो है ये जानवरों में पाया जाता है और ये काफ़ी हार्ड होता है, जैसे गेंडे की सींग में है, हमारे बाल में पाया जाता है, ठीक है, और रेशेदार संरचनात्मक ये प्रोटीन होता है, बाल, नाखून, सींग, पंजे, खुर और मानव की त्वचा में भी ये पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन है और उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, तनाव से बचाता है। केराटीन जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। बाकी मेलेनिन आप जानते ही हैं, चौथा ऑप्शन, मेलेनिन त्वचा को रंग देता है, पलकों को, बाल को ये रंग प्रदान करता है मेलेनिन। ग्लाइकोलाइटिसिस एक श्वसन की प्रक्रिया है, प्रथम चरण है, तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव अपनी आवर सारणी में किस तत्व को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके? तो आंसर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सही स्थिति नहीं बता सके क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो क्षार धातुओं के साथ हैलोजन से भी मिलते जुलते हैं, तो उनकी परमाणु संख्या को अगर आधार मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो अलग अलग समस्थानिक बन जाते हैं और उनको अलग अलग स्थान हो जाएगा, जो कि आवर सारणी के रूल को बाधित करेगा, समरूपता को बाधित करेगा, तो हाइड्रोजन वो तत्व है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन ट्यूमर या कैंसर का कारण बन सकता है? इसमें आंसर है आपका समविभाजन। हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं और वो दो भागों में बंटती हैं, कोशिकाओं का विभाजन होता है दो छोटी छोटी कोशिकाओं में, और उस हर कोशिका पर हमारे जीन का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, जीन के नियंत्रण में जो है कोशिकाओं का समविभाजन होता है। जब यह नियंत्रण अनियंत्रित हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, कोशिकाओं का टूटना, जीन का नियंत्रण नहीं रहता है, तब यह कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिन पर हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर रन होते हैं, विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिस जो है, ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑफिस है MS Excel, MS Word, MS पब्लिशर, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं ऑफिस के, और ये ज़्यादातर यूज होता है, तो इसमें ऑफिस जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाकी सब विंडोज है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो आपके हिप्पोक्रेटस हैं, ये आपके जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और ये थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के हैं, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि वह चिकित्सा पद्धति में कारण, तर्क और विज्ञान का प्रयोग करने वाले प्रथम चिकित्सक थे। उससे पहले जो है अंधविश्वास था चीज़ों में, जादू टोना में लोग विश्वास करते थे, लेकिन ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को विज्ञान से जोड़ा, एक्सेप्ट किया।
यहाँ लिस्ट दी है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस, जीवाश्म की के लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है तो ये याद कर लीजिए, औतकी के मार्सेलो मेलपीसी। औतकी जिसमें कोशिका और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे औतकी बोलेंगे। तो ये आप लिस्ट याद कर लें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक दो आते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है पीटी, जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है उसी बिंदु से एक सीकेंट मतलब छेदक रेखा खींची गई है जिसका नाम है PAB। जब एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा मतलब उसको चीरती हुई एक रेखा खींची जाए, तो वहाँ एक रिलेशन क्रिएट होता है, एक थ्योरम बनती है, स्पर्श रेखा का वर्ग, मतलब 5 दिया है तो 5 का वर्ग, स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर होगा PA जो बाहर का पार्ट दिख रहा है वो यहाँ पे 4 हो गया, इनटू पूरा पार्ट, यहाँ पे फार्मूला क्रिएट होगा, थ्योरम बनेगी, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर बाहर का भाग जो है दिख रहा है सीकेंट का PA इनटू पूरी लंबाई, फिर तो पूरी आपकी 4+x हो जाएगी जो कि ब्रैकेट के अंदर आप रख लीजिए, 25 बराबर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16+4x, ये 25-16 9, x बराबर 9/4, 2.25 आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। वृत्त की थ्योरम से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, कई थ्योरम है वृत्त से रिलेटेड, ठीक है, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। वृत्त से कई थ्योरम बनती हैं, एक तो अगर वृत्त की एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो केंद्र से उस स्पर्श बिंदु के बीच 90° का कोण बनता है, इस पर भी सवाल बनता है, अब ये मिला देंगे तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम में दे देगा कि इसकी लंबाई 10 है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जब पूरी 10 है तो एक चीज़ और है, स्पर्श ये मध्य बिंदु भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिलाएंगे तो मध्यबिंदु भी होगा, 90 होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस से लगा देंगे। इसके अलावा और भी स्पर्श रेखा के बनते हैं, जैसे ये आपका ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें भी आपका ये अगर AB हो गया और ये PQ हो गया, बीच में कोई बिंदु हो गया D, तो PD×DQ बराबर BD×DA, इस तरह आपका बन जाएगा, और ये आपने पढ़ा ही ये वाला कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर PA×PB, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो वो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, PA बराबर PB होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ? जिसमें जो है आपका साइड में जो डिजिट दिख रही हैं 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 20, साइड की डिजिट्स का सम और उसका ट्वाइस हो रहा है, 5, 6, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 36, 7, 6, 13, 4, 22, 7, 6, 13, 4, 17, 5, 22, 44 आंसर होगा। ये क्वेश्चन है आपका GS का, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने अंश के बराबर होगी? देशांतर की जो दूरी है 2 घंटे में कितने अंश का गैप होगा ये पूछ रहा है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर आता है, 4 मिनट में देशांतर दूरी जो है 1 अंश के बराबर होती है, तो 60 मिनट में कितनी हो जाएगी, 1 अंश जो है 4 मिनट में डिफरेंस आता है, तो 60 अंश जो है आपका 60/4 15 मिनट में आ जाए, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 60 मिनट में, फिर से देखते हैं, 4
ये आपका हो जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री का अंश आता है, उल्टा हो गया था, ठीक है। तो 60 मिनट में आपका 60/4 15 डिग्री का अंतर आएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 2 घंटे में पूछा है तो 2 घंटे में आपका 15 × 2 = 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री का डिफरेंस, 60 मिनट में 15 डिग्री का हो जाएगा, 60/4 मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री का, 2 घंटे में 30 डिग्री का हो जाएगा। 2 ही घंटे का पूछा है, 2 घंटे में कितना होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल जो है उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आपातकाल 3 प्रकार के हैं हमारे संविधान में, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और एक राष्ट्र शासन या राज्य से रिलेटेड आपातकाल है, और एक है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। राज्य में जो आपातकाल होता है या राष्ट्र शासन होता है उसका न्यूनतम 2 माह या अधिकतम 3 वर्ष है, ठीक है। 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल लागू होता है। 4-4 जोड़ते जाइए, 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, 4 जोड़ दीजिए 356 आपका राष्ट्र शासन या राज्य में, और 4 फिर जोड़ दीजिए, 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल के लिए, और इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 1975 में आपका पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वित्तीय आपातकाल आपका कभी नहीं लगा है। बाकी दोनों जो है यूज किए जा सके हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न, A:B = B:C, तो A^4 = B^4 पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A/B, रेशियो को अपॉन लिख लेंगे, A/B = B/C, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो B² = AC हो जाएगा। अब फिर स्क्वायर कर दीजिए तो दोनों पक्ष में स्क्वायर कर देंगे, B^4 = AC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम रुकते हैं। अब पूछ रहा है कि A^4 और B^4 किसके बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम सेफ रखें, B^4 = AC, B^4 = AC आया था, ठीक है। अब ये हमें ये फाइंड करना है तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, क्या आया था हमारा A/B = B^4 = AC आया था, क्या आया था फिर से लगा लेते हैं, A/B = B/C, ठीक है, और B² = AC स्क्वायर कर देंगे, B^4 = A²C² आया था। तो अब हम इसको फाइंड कर रहे हैं A^4 = B^4, तो नीचे जो B^4 आएगा उसकी जगह हम ये लिख लें A²C², ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर A² बचेगा, नीचे C² बचेगा, ठीक है। तो A²C², ये आपका आंसर आ जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 11 में सीरीज है, आप देख रहे हैं 400 है फिर -200 है, मतलब आधा हो गया और ऋणात्मक हो गया, मतलब इसमें 400 में मल्टीप्लाई हुई -1/2 से तभी आया, इसमें फिर -1/2 से हुई तो इसका आधा हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें भी 100 में -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे -50 में आप मल्टीप्लाई करिए -1/2 से तो आपका 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए सीरीज सही चल रही है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए, मिलते हैं हम अगले पार्ट में अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपका ये सपोर्ट हमें अच्छे मटेरियल के संकलन करने पर मजबूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।